CES जनवरी 2020 में सैमसंग ने बीटा वर्जन नियॉन की अनाउंसमेंट की, जो आर्टिफिशियल ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग्स की तरह ये वर्चुअल बीइंग्स है जो हमारी तरह दिखते हैं और बिहेव करते हैं। नियॉन एक्चुअल में सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ सैमसंग फंडेड स्टार लैब्स प्रोडक्ट। ये रिवील हुआ है कि नियॉन सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस में 2020 एंडिंग तक अवेलेबल हो जाएंगे। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो सैमसंग आर्टिफिशियल ह्यूमंस नियॉन। सैमसंग पिछले कुछ सालों से एआई टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड रिसर्च लैब्स ने साउथ कोरियन आईटी फर्म सीजे ऑलिव नेटवर्क्स कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नियॉन एआई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। जैसे सीरी, एलेक्सा, कॉर्टाना है, वैसे ही अब बिक्सबी के साथ सैमसंग डिवाइसेस में नियॉन होगा। सीईओ ऑफ स्टार लैब्स प्रणव मिस्त्री ने सीनेट इंटरव्यू में कहा कि वो एट प्रेजेंट वर्चुअल ह्यूमन असिस्टेंट नियॉन को बिक्सबी से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, इन सब से नियॉन बिल्कुल न्यू और अलग है। वो एक लाइफ लाइक आर्टिफिशियल इंडिपेंडेंट वर्चुअल ह्यूमन है। सैमसंग ने कहा कि वो नियॉन लॉन्च करके सीरी या एलेक्सा से कम्पीट या रिप्लेस नहीं कर रहे। करेंट एआई असिस्टेंट केपेबल है हमारे सारे क्वेरीज को आंसर करने के लिए, लेकिन उनमें ह्यूमन इमोशंस की कमी है। स्टार लैब्स ने कोर R3 सॉफ्टवेयर और स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी से नियॉन को डेवलप किया है। स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी से नियॉन में इमोशंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग और मेमोरी जनरेट होते हैं। नियॉन दूसरे एआई असिस्टेंट्स की तरह लाइफलेस नहीं है, उनमें इमोशंस और रिएक्शंस डाला गया है। अगर आप नियॉन से रूडली या मीन बात करते हो तो नियॉन आपसे अपसेट या गुस्सा हो जाएंगे, और अगर आप उनसे अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं तो वो आपसे भी अच्छा बात करेंगे। सब नियॉन के अलग यूनिक पर्सनालिटीज बनाए गए हैं। एप्पल मीमोजी या स्नैपचैट बिटमोजी की तरह आप खुद का नियॉन डिजाइन नहीं कर सकते, वो आपके डिवाइस में फुल्ली डेवलप्ड होके ही आएंगे उनके खुद के नामों के साथ। आपको नियॉन प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, उसे यूज करने के लिए आपको नियॉन सर्विस को सब्सक्राइब करना होगा। आप उसे ओन नहीं कर सकते। बिजनेस पर्पस के लिए कंपनीज नियॉन को हायर कर सकते हैं कोई भी स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, एज अ ट्रांसलेटर आप नियॉन से योगा ट्रेनर, मेकअप कंसल्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टीचर, फाइनेंशियल एडवाइजर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, न्यूज एंकर या बस एक वर्चुअल फ्रेंड जैसे सर्विसेज ले सकते हो। आजकल लोग उनके स्मार्ट डिवाइसेस से इतने अटैच्ड हो गए हैं और ये सोसाइटी को अकेला फील करा रहा है। नियॉन जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स है, जो जापानीज से इंग्लिश, स्पेनिश से हिंदी, सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अब आपके एक दोस्त बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद अगर आप कभी भी या कितने भी लंबे ड्यूरेशन के बाद नियॉन को रीसब्सक्राइब करोगे तो नियॉन को आप और आपसे रिलेटेड हर चीज याद रहेगी, वैसे ही जैसे आप और आपके दोस्त एक दूसरे को याद रखते हो। और अगर आप पहले वाले नियॉन को दूसरे नियॉन ह्यूमन अवतार से रिप्लेस करके सब्सक्राइब करोगे तो वो और आप दोनों एक दूसरे को नए रहोगे, जैसे आप कोई न्यू इंसान से पहली बार मिल रहे हो। सैमसंग ने ये भी मेंशन किया कि नियॉन और आपके बीच की बातें कोई थर्ड पर्सन से डिस्क्लोज नहीं होंगे, आपके सीक्रेट्स नियॉन के साथ सेफ हैं। नियॉन के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि CES 2020 में नियॉन के ऑफिशियल टीजर और वीडियोस बस फिक्शनल और एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए थे। ये आर्टिफिशियल वर्चुअल ह्यूमन अवतार उनके बनाए हुए नहीं बल्कि एक्टर्स थे। सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस रिसर्च लैब्स के CEO प्रणव मिस्त्री ने कहा कि वो ऑलरेडी उनके फोन में नियॉन टेस्ट कर रहे हैं और नियॉन मार्केट में क्रिसमस से पहले अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर प्रणव ने 27 नवंबर को ट्वीट किया कि नियॉन जनरल पब्लिक को अभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ बिजनेसेस के लिए टारगेट कर रहे हैं
नियॉन व्यू वर्जन से। नियॉन के एक्चुअल रियल कंप्यूटर जनरेटेड फेसेस इसके रिलीज पर ही मालूम होंगे। सब नियॉन अवतार्स एक दूसरे से डिफरेंट और यूनिक पर्सनैलिटी रहेंगे हम इंसान की तरह, और उनके फेसेस कोई भी इंसान से मैच नहीं करेंगे। शायद पॉसिबिलिटी है नियॉन और ह्यूमन के कुछ सिमिलैरिटीज की। नियॉन बीटा वर्जन रिलीज के बाद ही हमें इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करिए, और हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care.